महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी और दो गुटों में झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, पूर्वी बीजेपी विधायक बापू साहेब, तुकाराम पठारे, शरद पवार की पार्टी एनसीपी में हुए शामिल। कई घंटों के बाद आज सुबह 10 बजे लालबाग के राजा का गिरगांव चौपाटी पर किया गया विसर्जन, नम आंखों से भक्तों ने बप्पा को दी विदाई। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, पूर्वोत्तर और उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव जारी, 7 जिलों की 24 सीटों पर शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। धारा 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहा पहला विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र में आज महाविकास आघाड़ी की बैठक, विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक में होगी चर्चा। दिल्ली के करोल बाग इलाके में गिरा मकान, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के ग्रामीण इलाके में नशे में धुत एक 50 वर्षीय पुलिसकर्मी ने बंदूक से अपनी पत्नी की गोली मारकर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। पुणे जिले से हैरान कर देने वाला मामला, इंदापुर कस्बे के पास मंगलवार को गणेश प्रतिमा विसर्जित करते समय एक 16 वर्षीय लड़का नदी में डूबा, तलाशी अभियान जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद दौरा, 30 करोड़ रुपए की 16 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन।